नमस्ते, मेरा नाम है दक्ष नेगी और आज की एक्टिविटी का नाम है पौधों के बारे में जानना। ओके, तो ये क्या है? पौधा है, एक पौधा है। और ये क्या है, सबसे ऊपर क्या है? ये लीव्स बनी, लीव्स यानी पत्ते। और ये इसको क्या बोलते हैं? स्टेम। स्टेम यानी कि जड़ नहीं, तना है ये। तना। स्टेम मनी तना। और ये रूट्स। रूट्स। रूट्स मनी जड़। ये है जड़ें। ओके, जड़ें। तो ये जड़ें कहाँ रहती है? जमीन के अंदर रहती है कि जमीन के बाहर रहती है? जमीन के अंदर। ये है मिट्टी, ये मिट्टी के अंदर रहती है ये जड़ें। और ये तना रहता मिट्टी के ऊपर, इसके ऊपर रहता ये ऐसे। ओके, ये ऐसे रहता है इसके ऊपर। तो बहुत सारे पौधे कैसे होते हैं? अलग अलग। अलग अलग होते हैं ना। कोई क्या क्या करते हैं? किसी में फ्लावर्स ही फ्लावर्स, मतलब किसी में खाली फूल फूल आते हैं और कोई फल फूल के बाद फल भी देता है, है ना? ये किस चीज का पौधा है? एक सब्जी का पौधा है ये वैसे, पर ये मतलब कि सब्जी बेल वाली भी होती है, पर ये तने वाली है। इसमें देखो ये फूल आ रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको? ये देखो यहाँ पे, ये बैंगन का पौधा है और इस पे देखो यहाँ भी फूल आ रहे हैं, दिख रहे हैं? अब ये फूल के बाद इसमें बैंगन आएगा, ये देखो ये छोटा छोटा आ रहा है। तो आज आपने क्या जाना? पौधों के बारे में। तो कितने भाग होते पौधों के? एक, दो, तीन। तीन भाग होते हैं ना? तो तीन भाग होते क्या होते? पत्तियां, तना और जड़ें, है ना? क्या जाना आपने आज पौधों के बारे में? तो अच्छी लगी आज की एक्टिविटी? हाँ जी। मजा आया? हाँ जी। थैंक यू।